अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुझे तो ये लाइन भी भूलती जा रही थी व्लॉग शुरू करने वाली, लेकिन यार मैं जो है बड़े अरसे के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। लेकिन मैं कब से प्लान कर रहा था कि यार व्लॉग बनाता हूँ, और आप में से थोड़े से जो लोग हैं, अच्छा आप लोगों ने नोटिस किया मेरे व्लॉग्स में एक चीज़ कॉमन है कि कभी कोई बाइक वाला कहीं से आता है, कभी कोई बाइक वाला। अगर आप लोग मेरे व्लॉग देखो शुरू से, देखो ये भी आ गया, क्योंकि मेरे व्लॉग्स प्लान नहीं होते, कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोग को जो है बियर करना पड़ेगा इन चीज़ों के साथ। अच्छा तो बात मैं ये कर रहा था कि आज मैं बड़े अरसे के बाद व्लॉग बना रहा हूँ। प्लान तो मैं कब से कर रहा था कि यार व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन बस कुछ मसरूफियात थी, एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे और कुछ अप्स एंड डाउन्स थे जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज मेरा ऐसे ना रात से मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं ना व्लॉग बनाऊंगा। तो फॉर्मली वेलकम बैक आप सबका। यूट्यूब भी सोच रही होगी पता नहीं यार ये कौन सा बंदा है जो व्लॉग कब से गायब है, मतलब जो लोग रेगुलर देख रहे होते हैं। तो यार आज मैं लेट उठा हूँ, तकरीबन 11 बजे का टाइम है और मैं जाने लगा हूँ ज़रा बीएड की सेटिंग वगैरह कराने, तो मैंने कहा व्लॉग शुरू करते हैं। बस मैं पहुंचने वाला हूँ, ये काम करा लें फिर आज का व्लॉग जो है शुरू करते हैं। तो आज मैंने कहा कि दिखाऊं कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। ये जी हम पहुंच गए हैं बार्बर शॉप पे, और ये बच्चे जो है ना बचपन में इतनी जल्दी में होते हैं कि बाइक ऐसे ही साइकिल अपना गिरा के जो है चले जाते हैं चीज़ लेने, उन्हें चीज़ लेने की जो इतनी खुशी होती है। तो बीएड हो गई है ट्रिम और अब हम जा रहे हैं घर। हम नहीं, मैं अब मैं जा रहा हूँ घर। एक ना मेरा दोस्त देखता था मेरे व्लॉग, तो एक दिन ऐसे ही मिले हम, रैंडम ना व्लॉग्स डिस्कशन कर रहे थे और यूट्यूब ये वो, तो कहता कि यार तुम हम क्यों कहते हो भाई, तुम्हारे साथ कौन होता है। मैंने कहा हाँ, इस बात पे मैंने ना सोचा कि यार ये सही कह रहा है। तो यार वो ऐसे ही मेरी ना मतलब आदत बनी हुई थी कि हम, तो मैं कहता था हम खा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मतलब खुद ही अपने आप को जो है इज्जत। खैर उस दिन ना हम अनदर बाइक, आपको मेरे व्लॉग्स में बाइक बहुत नज़र आएंगे। तो बस ये मज़े की बात मुझे याद आई आज ना, तो मैंने कहा ये भी आप लोग के साथ जो शेयर करूं। तो अब से मैं कहा करूंगा कि मैंने करा ली है और मैं जा रहा हूं घर। हम नहीं, क्योंकि फिर वो यही होता है कि यार हम क्यों कह रहे हो आप। तो अब घर जा के मिलेंगे और देखेंगे कि क्या खाते पीते हैं और आज का दिन जो है कैसा गुजरता है। बेसिकली बड़ा जेनेरिक सा व्लॉग है और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आज सारा दिन क्या किया बेसिकली, ठीक है। तो यार अब मैं जाने लगा हूँ नमाज पढ़ने असर की, और वैसे मैं वॉक करता हुआ ही जाता हूँ, लेकिन आज टाइम जो है ज़रा कम था तो मैंने कहा गाड़ी पे चले जाते हैं। एक मिनट, ये मैं बेल्ट लगा लूं क्योंकि ये आवाज़ ना आप लोगों को बहुत इरिटेट करेगी फिर। हाँ जी, तो आई होप कि ये बीप की आवाज़ से आप परेशान ना हुए। अच्छा यार अब असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं पीऊँगा चाय और फिर व्लॉग को करेंगे कंटिन्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया, मैंने घर आके नाश्ता किया, थोड़ा रेस्ट किया, नहा धो के अब हुआ हूँ तैयार। तो मुझे याद आया कि आज मैं व्लॉग बना रहा था और व्लॉग को भी कंटिन्यू करते हैं। और आप लोग जो है लाजमी कमेंट करके बताना कि जो आप लोग रेगुलर देख रहे थे मेरे व्लॉग और एक छोटी सी फैमिली बनी हुई थी यूट्यूब फैमिली, तो क्या हाल चाल है आप सब के और आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है। अब इंशाल्लाह आया करेंगे रेगुलर व्लॉग, बल्कि मेरे पास कुछ व्लॉग तो ऐसे पड़े थे कि ड्यू टू सम रीजंस ना मैं उन्हें एडिट भी नहीं कर पा रहा था और वो मेरे पास वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अगर कोई इस तरह का सीन बना, कुछ मेरे ट्रिप से रिलेटेड है लेकिन अब वो सीरीज़ काफ़ी जो है पुरानी हो गई है तो उसे मिस कराते हैं, या शायद मैं कभी मतलब एडिट करके डाल भी दूँ, डिपेंड्स ऑन माई मूड। तो जी कैमरे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं देख रहा क्योंकि गाड़ी भी चला रहा हूँ, ऑल दो टाउन में, लेकिन यार फिर भी ख्याल करना पड़ता है।
ये देखें जी, ये है बाहर का व्यू, बाहर का सीन। बच्चे जो है वॉक पे निकले हुए हैं और हर कोई जो है, ये भाई भी इसी मेरी तरफ मुड़ रहे हैं, हर कोई जो है अपने काम कार निकला हुआ है। कुछ लोग नमाज पढ़ने, इधर ये मस्जिद है, मैं भी आपको मस्जिद भी दिखाता हूँ जहाँ मैं आया हूँ नमाज पढ़ने। और मैं आपको सर्दियों का एक सीन बताता हूँ कि सर्दियों में ना, क्योंकि नमाज के दौरान टाइम जो है कम होता है, कि 1.5 घंटे बाद जोहर के असर हो जाती है, फिर मगरिब हो जाती है, तो सारी नमाजें भी मैं इसलिए नहीं मैंने व्लॉग किया कि आप लोग भी फिर बोर हो जाते कि एक ही चीज़ के जो है पीछे पड़ गया। और ये अनदर बाइक और ये भाई जो है घूर घूर के देख रहे थे कैमरे में कि क्या हो रहा है, कह रहे थे पता नहीं क्यों जो है वीडियो बना रहा है। बस अभी पहुंचने वाले हैं मस्जिद और मैं आपको दिखा दूं मस्जिद, उसके बाद हम पढ़ेंगे नमाज और फिर जो है व्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे। ये इधर ऐसे हमने कर दी गाड़ी पार्क, रुक जाए जरा अभी हम उतरते हैं। ये हो गई गाड़ी बंद, चलें जी अंदर होगी नमाज और इधर मैच भी हो रहा है बच्चों का, ये लोग जो है क्रिकेट खेल रहे हैं इधर मस्जिद के बिल्कुल बाहर। और ये रही जी हमारी मस्जिद। अच्छा तो इधर आप लोग के लिए एक छोटा सा मैसेज है, और आप लोगों ने माइंड भी नहीं करना कि आप लोग कोशिश किया करें जितना हो सके ना नमाज पढ़ा करें। 5 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लिया करें, 4 नहीं पढ़ सकते 3 पढ़ लिया करें। यार मतलब आप लोग कहोगे कि व्लॉग में कह रहे ऐसे, लेकिन यार हम अच्छी चीज़ें भी तो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। मतलब हम बर्थडे कर रहे होते हैं, शादी पे जा रहे होते हैं, तो लाजमी हम आपसे शेयर करते हैं, हैपनिंग्स शेयर करते हैं। तो नमाज तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं भी ट्राई करता हूँ कि पढ़ा करूँ। तो ये एक छोटा सा काइंड सा मैसेज था आप लोगों के लिए, रिमाइंडर था कि प्लीज़ कोशिश किया करें नमाज पढ़ा करें। चाहे और मैं थोड़ी देर के लिए ना कंबल में बैठ गया था, क्योंकि ऐसे ना एकदम मुझे ठंड लग रही थी, और मैंने कहा कि मगरिब से पहले थोड़ा सा पावर नैप ले लेते हैं, क्योंकि असर और मगरिब में आजकल सिर्फ 1 घंटे का डिफरेंस बच गया। फिर मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और एक स्पेशल डिनर भी बन रहा है आपके साथ, वो भी शेयर करेंगे कि क्या बन रहा है, वो जानने के लिए व्लॉग देखते रहो। और अभी जो है मैं चाय इन्जॉय कर रहा हूँ और आप लोग व्लॉग इन्जॉय करो। तो यार चाय शाय पी के ज़रा मैं आ गया था बाहर, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या लेना है। सबसे पहले तो मैं शंगरीला पे आ गया था बाईपास, क्योंकि इधर से अंडा ब्रेड लेने थे और बस ये वही लिए हैं। और मैं कुछ बिस्किट्स वगैरह देख रहा था, लेकिन फिर मैंने एक जो है केक ले लिया इधर से चाय के साथ। और अब चलते हैं बाहर, देखते हैं गाड़ी की क्या सूरत हाल है। और वो खड़ी है गाड़ी अब जी, मूँगफली ले रहा हूँ मैं। और कमेंट करके बताना है कि किस किस को मूँगफली पसंद है। इधर देखें ये कच्ची पड़ी हुई है और इसको ये गरम गरम भून रहे हैं। तो यार एक मैं आपको टिप देता हूँ कि कभी ना गरम मूँगफली नहीं छीलनी, वो सही छिलती नहीं है। जब ये प्रॉपर अच्छी तरह ठंडी हो जाए ना, फिर आपने ये छील के खानी है। मैंने जो है अब मूँगफली ले ली। अच्छा अभी मैंने ना फ्रूट भी लेना है, तो आपने बोर नहीं हो जाना, क्योंकि यार अब ये डेली की चीज़ें जो है लेनी होती हैं। तो मैं इसी टाइम निकलता हूँ मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ के, ताकि ड्राइव का भी एक चक्कर हो जाता है और मैं चीज़ें भी ले लेता होता हूँ। ये बीकन हाउस के बाहर इस टाइम, अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ये रेडियो वाले आ जाते हैं। और ये भी इधर से मेट्रो गुजर गया, तो उन्होंने बंद किया हुआ था। बस यार हर कोई निकला हुआ होता है अपने काम कार करने, कोई बंदा जॉब से घर जा रहा होता है इस टाइम। तो इधर से मैंने मौसमी लिए हैं, सेब लिए हैं और केले भी ले लिए हैं साथ वाली रेड़ी से। यार एक जगह आने का ना बहुत फ़ायदा हो जाता है कि एक ही जगह से आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब घर चलते हैं क्योंकि भूख लग रही है और खाना रेडी होगा। चावलों को देख के ना मुझे अपने सर की बात याद आ गई है। बचपन में वो कहते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें, कहते थे जब चावल पकते हैं ना तो उधर से चावलों को दम लगा हुआ होता है और इधर से बंदे का दम निकल रहा होता है। तो हमेशा जब भी मैं चावल खाता हूँ मुझे उनकी बात याद आ जाती है। ये थी जी प्लेट की फाइनल लुक। ये बड़ा मज़ेदार सा चिकन बना हुआ था, साथ सैलेड रायता और चावल।
तो यार मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। आज काफ़ी अरसे के बाद व्लॉग किया, तो शायद प्रैक्टिस कम हुई थी और इतना डिटेल्ड व्लॉग मैं नहीं बना सका, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज़। और फिर जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।